हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। एज यू नो कि एसएससी जेई 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। अभी 21 का आना था लेकिन आया है 2022 का, और उन्होंने पूरा एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म फिलिंग सब कुछ शेड्यूल दे दिया है। और टाइम आपने देख लिया होगा कि 2022 के नवंबर में ही आपका एग्जाम का डेट है, और अभी जुलाई लगभग आधा कंप्लीट होने वाला है। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है, लगभग 4 से 5 महीने का टाइम है। तो अगर इस बीच में अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, तो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट ने ऑफलाइन बैच कमेंस किया है 11 जुलाई से, जो बैच आने वाली है। तो उसमें आपका 3 फ्री डेमो क्लासेज है, आप डेमो ले सकते हैं। आइदर ऑनलाइन डेमो चाहते हैं, ऑनलाइन डेमो भी अवेलेबल है। ऑफलाइन डेमो चाहते हैं आप, लक्ष्मी नगर मेरा दिल्ली में सेंटर है, काफ़ी बेहतरीन फैकल्टी है यहाँ पे। आपने ऑलरेडी अगर पहले वीडियो देखा होगा तो पता होगा। अदरवाइज आपका जो सिविल, जो भी सिविल के स्टूडेंट हैं, यहाँ सिविल का भी ऑफलाइन सेशन चलेगा। तो जो सिविल के स्टूडेंट हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो है, आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट के कि किस तरह के टीचर हैं। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम टीचर्स जो ऑलरेडी दिल्ली का, जो आप सुने होंगे, एक्स पैरामाउंट फैकल्टी हैं, एक्स केडी कैपमैक्स फैकल्टी हैं, जो ऑलरेडी 5 साल 6 साल से लगभग 10,000 बच्चों से ऊपर को पढ़ा चुके हैं। आप बाकी वीडियो देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि किस लेवल के टीम है यहाँ पे। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला, हाईली एक्सपीरियंसड है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं PWD CPWD में और यहाँ पर जॉब करते हैं, वो आके क्लास लेते हैं। तो उनका आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरह से पेपर को, जो क्योंकि उन्होंने लेटेस्ट ही पेपर को क्लियर किया है, और अगर उस पेपर को क्लियर किया है तो उनको ज़्यादा आसानी से पता होता है कि कहाँ से कंसेप्ट पूछा जाता है, किस तरह से तैयारी करना है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार ज़रूर डेमो ले, डेमो देखें ताकि आपको पता चले। बाकी जो भी लोग इनको ये प्रॉब्लम है कि दिल्ली हम जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, क्योंकि कई बार होता है कि हम एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन रुकेंगे कहाँ जब तक, क्योंकि हर एक लोगों का जरूरी नहीं है कि फ्रेंड सर्कल दिल्ली में होता है। तो अगर आप इस तरह से है, अगर आप एडमिशन कंफर्म करते हैं, और अगर आप डेमो देखने के पहले, डेमो देख के और आप एडमिशन कंफर्म कर लेते हैं, तो आपको मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको 2 दिन का रहने का फैसिलिटी दिया जाएगा। इन बिटवीन आप आइदर PG ले कर रहना चाहते हैं या हॉस्टल ले कर रूम ले कर रहना चाहते हैं, तो उतना इन बिटवीन आप सर्च कर सकते हैं। लक्ष्मी नगर पूरा स्टूडेंट एरिया है, यहाँ पर केवल स्टूडेंट ही रहते हैं, तो आपको PG भी जाते हैं, और अगर आप रूम लेके रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं। 2 दिन का व्यवस्था आपको मॉड्यूलेशन करेगा, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है। बाकी आप डेमो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। और एसएससी जेई आप देख जानते हैं कि काफ़ी नंबर ऑफ वैकेंसी अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ह्यूज वैकेंसी आने वाला है। अब पता नहीं है 21 और 22 का कहीं कंबाइंड करके वैकेंसी आ गया, तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा आने वाला है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी सिविल का आता है, ये आप जानते होंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग, टाइम काफ़ी कम है, तो जो भी लोग डिप्लोमा एग्जाम इस बार दिए हैं या BTEC कर चुके हैं, तो जो भी लोग आप चाहते हैं तैयारी करना, एक बार ज़रूर विजिट करें। आपको अभी तक आपने जहाँ पढ़ा होगा उससे ज़रूर डिफरेंस फील होगा। अब नीचे बाकी डिस्क्रिप्शन में आप जो डेमो लेक्चर से आप एक बार देखिएगा, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लगेगा। बाकी डेमो बुक करने के लिए नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करके आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं। 11 से बैच स्टार्ट होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट वीक में जब भी प्लान कर सकते हैं, प्लान करके एक बार कॉल करके और आप विजिट करने का। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।